मर्जी का सेक्स कभी पाप नहीं होता, पीछे से डालने वाला कभी पाप नहीं होता। कॉन्डम जरूर लगा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि सेक्स के वक्त पोपट के पास दिमाग नहीं होता। हेलो अंकल जी, कॉन्डम चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? हम लड़कियों को बहुत केयरफुल होना पड़ता है ना। कौन सा दूं? सर एक सेकंड, एक बनाना स्ट्रॉबेरी। ओह माय गॉड, वाओ। एक काम करो, फुल फ्रूट सैलेड पैक कर दो, और हाँ चॉकलेट फटे। कितनी और समय। ये कोई टाइम है क्लास में आने का? सॉरी सर, वो नीचे कॉरिडोर में ना दो फिफ्थ क्लास के बच्चे मिल गए थे, बंक मारने जा रहे थे। अच्छा, तो आप उन्हें क्लास में वापस भेज रही थी? नहीं सर, वो पीछे के गेट से जा रहे थे, और वहाँ तो अभी नया नया गार्ड लगा ना, तो मैं उन्हें ग्राउंड के पीछे का रास्ता दिखा रही थी, वहाँ दीवार टूट गई ना, तो वो टाप के जा सकते हैं। आपकी आंखें रियल है? हाँ जी, अलहम प्यारी आंखें आपकी भाई। शुक्रिया। लड़कियाँ मरती होंगी आप पे तो? दूसरों का पता नहीं, लेकिन आपका सोच नहीं सकते। अरे सचिन, तुम अकेले आए हो? सर नहीं आए तुम्हारे? बॉस तो आज अर्जेंट मीटिंग पे गए हुए हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है फिर। मैडम। हाँ बोलो। आपको डायमंड नेकलेस लेना था ना? हाँ, तो इसे तुम्हें क्या? आप इन पैसों से वो नेकलेस खरीद सकते हो। The next day. हाँ बेबी, मैंने ना 2 लाख रुपए भिजवाए थे सचिन के हाथ तुम्हारे नेकलेस के लिए। म्यूजिक। अरे इशिका, तुम कब आई? ये फंस गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। मैं अंदर आई तो देखा नितिन कोई मूवी देख रहा था। मूवी इतनी रोमांटिक थी कि मैं उसमें ही खो गई। क्या बोला तूने? थोड़ा सीधा साधा हूँ मैं, थोड़ा सा हूँ मैं। बैड बॉय, कैन यू बी माय बैड गर्ल?